गुलाब जामुन की सब्जी बन रही है। सरप्राइज मी। पूछे मस्त मस्त। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैं सडनली व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज आज कुछ अलग ही हुआ। मैं तो सो रही थी और मम्मी पर कॉल आया था एंड कुछ हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। और मम्मी यहाँ पे बना रही है खाना और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, बस मैं नहाने जा ही रही हूँ। बट पहले मुझे हेज़ल का सब कुछ करना होता है, उसको सुलाया है, अभी वो सो रही है और वो सोती है तब तक हमारे काम ख़त्म करने होते हैं। तो मम्मी क्या बना रही है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक आलू और मटर और समथिंग कुछ प्याज वगैरह है, हाँ उसकी सब्जी है। और दूसरी सब्जी बन रही है ये क्या है बताओ? गुलाब जामुन की सब्जी बन रही है। मैं भी पहली बार खाने वाली हूँ क्योंकि मम्मी ने मासी के घर खाई थी और तब से उसको गुलाब जामुन की सब्जी बनानी थी, तो आज फाइनली बन रही है गुलाब जामुन की सब्जी। तो दो सब्जियाँ बन रही है, हम लोग तीन हैं बट कुछ अलग अंदाज है, तो देखते हैं आज क्या है। तो कहानी में ट्विस्ट है कि मम्मी बोल रही है ये वाली सब्जी हम शाम को बनाने वाले हैं, लाइक गुलाब जामुन की सब्जी। तो पता नहीं, मुझे रेसिपी भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, मैं खुद पहली बार खाने वाली हूँ। तो लेट्स से कि गुलाब जामुन की सब्जी इफ हो सकेगा तो मैं आपको रेसिपी भी दिखा दूँगी, ठीक है? शाम को मम्मी बनाएगी तब। और यहाँ पे हेज़ल सो रही है और यहाँ पे उसके डैडी सो रहे हैं। यही था सरप्राइज। एक्चुअली मैं सुबह सो रही थी क्योंकि रात को हेज़ल ने काफ़ी टाइम उठाया था, तो मैं सो रही थी और सडनली मुझे कॉल आया। मैंने कॉल देखा ही नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं चला, तो मम्मी पे कॉल आया कि नीलम कहाँ है, उसको बोलो बाहर आए। मैंने बोला क्यों बाहर आने का बोल रहे हैं? फिर मुझे लाइट हुआ कि वो लोग घूमने गए थे फ्रेंड्स और वो डायरेक्टली यहाँ आ गए हैं मुझे सरप्राइज़ देने, सिर्फ हेज़ल को मिलने आए हैं। सो या वो ड्राइव करके आए तो थोड़ी देर के लिए सोए हैं। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, हमको पता ही नहीं था क्योंकि फर्दर उनके कुछ प्लान थे, कहीं ट्रैवल करने थे, तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि धीर यहाँ पे आ सकता है, बट ही सरप्राइज्ड मी। हमने लंच किया और उसके बाद गप्पू और गप्पू के डैडी सो गए कुछ टाइम के लिए। गप्पू पूरा दिन हैप्पी हैप्पी लग रही थी। 2 hours later एंड इवनिंग में हेज़ल और हेज़ल के डैडी ने कुछ टाइम स्पेंड किया, उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे सोना। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो तुम? वाह भाई वाह, गप्पू ने वाह। Later that same evening. और मम्मी बना रही है गुलाब जामुन की सब्जी, तो उसमें ये प्याज उसको क्रश कर देंगे मिक्सर में, टमाटर को भी, काजू और क्या है ये गार्लिक और जिंजर, ये गुलाब जामुन सुबह आपको दिखाए थे वो, और ये है कर्ड जिसमें सब मसाला डाला हुआ है। खाने के बाद पता चला कि हमको गुलाब जामुन को इतने लाल नहीं करने हैं, हमको सिर्फ गोल्डन ब्राउन टाइप के ही करने हैं। सबसे पहले पैन में 2 tablespoons तेल लेना है, उसके बाद उसको गर्म होते ही काजू डाल के उसको सौते कर देना है। गोल्डन ब्राउन हो तब तक ही काजू को सौते करना है और उसके बाद आपको जो भी खड़े मसाले होते हैं उसका छौंक लगाना है, लाइक दालचीनी, बड़ी इलायची, फिर जीरा, फिर हींग डालनी है। और वो सब होने के बाद तब तक मम्मी ने बना दी थी प्याज, हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट। फिर ये प्याज की पेस्ट को भी आपको सौते करना है,
इसको भी गोल्डन ब्राउन हो तब तक ही करना है। प्याज हो रहे थे तब तक मम्मी ने टोमेटो प्यूरी बना ली। प्याज होने के बाद टोमेटो प्यूरी डाल दी और उसको भी पूरा मतलब उसका तेल अलग हो तब तक होने देना है। और साइड में मम्मी गुलाब जामुन में छेद कर रही थी फॉक से, और आप देख सकते हो ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और हमने पहले जो लिया था दही में मसाले, सब दही में मिर्च हल्दी नमक सब कुछ डाल दिया था, वो आपको ये ग्रेवी में डाल देना है। चम्मच को कंटिन्यूस चलाना है ताकि हमारा दही फटना नहीं चाहिए। और उसके बाद मम्मी ने गर्म पानी डाला ताकि ग्रेवी हल्का सा पतला हो जाए, तो वो कंसिस्टेंसी में ये गुलाब जामुन अच्छे से सोख हो पाएंगे। ऐसे बॉईल आने चाहिए, लाइक उबाला आ जाए, उसके बाद ही हमको वो जो हमने स्टार्ट में किए थे काजू वो डालने हैं और गुलाब जामुन डालने हैं। पाँच मिनट के बाद हमको गरम मसाला डालना है और गरम मसाले के बाद आपको धनिया पत्ती से उसको गार्निश करना है। और आप एंजॉय कर सकते हो गुलाब जामुन की सब्जी पराठों के साथ। हम लोगों ने लच्छे पराठे बनाए थे। Early the next morning. Hi guys, good morning. सुबह का नाश्ता हो रहा है कुछ ऐसे, और आज है हिजल का वैक्सीनेशन, तो हम लोग आए हैं आज सूरत के लखपति हॉस्पिटल में। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा था, पूरा दिन ऐसे ही गया। और वो यू नो ऑन एंड ऑफ थोड़ी सी वीक रहती है पहले दिन, तो इसलिए उसमें ये दिन चला गया और कुछ ज़्यादा व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला। फिर भी फुल डे बिजी थे। Early the next morning. नेक्स्ट डे ही देर को निकलना था सुबह सुबह, इसलिए अभी मिल रही है गप्पों को बहुत सारी पूछिया। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।